अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं लेयर्स बेक शॉप पे। ये बहुत ही एक पॉपुलर होता हुआ ब्रांड है। ये वापडा टाउन में मौजूद है, इसकी एक और ब्रांच जोहर टाउन में भी है। आप देख सकते हैं अंदर इसकी कितनी रश है, और ये कोरोना SOPs की वजह से लोग बाहर तक खड़े हुए हैं। अंदर लिमिटेड बंदे बुलाते हैं, तो हम भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। ये अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट किस्म का इसने सजावट की हुई है अंदर से भी, और मुझे एक बहुत अच्छी फील दे रही है अंदर से। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहूँ। सर, ये कौन सा केक है? पर ये फरारे रोशन। ये कौन सी है? ये कैरमल दे दें। तीन न्यूटेला दे दें। आगे से मिलेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं। ये इतनी चलती है, इतनी सेल है इसकी। देखिए और भी आइटम्स पड़े हैं, और ये भी मतलब लेयर्स में है। हर चीज़ आपको देखें लेयर्स में नज़र आ रही है, और ये एक बहुत अच्छी फील दे रही है। ये केक्स हैं, ये भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ये भी किसी दिन ट्राई करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये संडेज, हम लोग ये संडेज ट्राई करने आए हैं। मैं कुछ न्यूटेला संडेज ले रहा हूँ और कुछ कैरामेल संडेज ले रहा हूँ। तो ये हमारी संडेज ये सर्व कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 6 संडेज हमने ली हैं। इसके अंदर बैठने का कोई सेटअप नहीं है, इस वजह से हम लोग घर पे जाकर खाएंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की प्रोडक्ट्स का और इस तरह के रेस्टोरेंट्स का रिव्यू लाता रहूँ। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लेयर्स बेकरी से संडे लेके आया हूँ। ये बहुत ही शानदार पैकेज में देते हैं। ये इस तरह के 6 बॉक्सेस में इन्होंने मुझे दिया था, इस तरह के शॉपर में। और ये शॉपर इनका बहुत अच्छा होता है, हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। वैसे ही शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी लग गई हुई है, तो हम इस शॉपिंग बैग को बहुत अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। और ये इन्होंने इस तरह की पैकेजिंग में देते हैं। ये भी बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है। लेयर्स बेक शॉप इसका नाम है। और ये हमारी संडे है, और इसमें न्यूटेला भी है और कैरामेल भी है। तो मैंने जो ये ली है, ये बाकी फैमिली के लिए न्यूटेला फ्लेवर था, वो वाला फ्लेवर खाते हैं। मैं ये आज कैरामेल फ्लेवर, मैं भी न्यूटेला फ्लेवर ही खाता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो ये सॉल्टेड कैरामेल फ्लेवर इसका नाम है, तो हम ये ट्राई करते हैं। आइए मेरे साथ एंड लेट्स चक इन। ये स्पून भी इन्होंने हमें साथ ही दिया है, तो इसमें मैं चेक इन करने जा रहा हूँ। ये ओपन हो गई, और ये अंदर से इस तरह की लगती है। ये अच्छी लग रही है काफ़ी, लेकिन इसका जो ये कैरामेल है ना, ये थोड़ा मतलब यूँ पुडिंग की तरह है। तो बिल्कुल फ्रोज़न ही सख्त है, लेकिन है बिल्कुल मतलब यूँ पुडिंग की तरह नरम नरम सा लग रहा है। लेकिन जो न्यूटेला फ्लेवर होता है ना, उसका थोड़ा सख्त होता है, उसका यूँ बिल्कुल नरम नरम सा नहीं होता। तो आइए इसका फर्स्ट बाइट लेते हैं। इसको ये मतलब काफ़ी लेयर्स में है, इस वजह से इसका नाम भी लेयर्स है बेकरी का, तो ये लेयर्स में है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ये मैं एंड तक लेयर में जा सकूँ। ये देखें, ये अगर आपको मेरा स्पून नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये बहुत ही जूसी सा मटेरियल है। तो लेट्स चेक इन। ओए होए होए होए, आज तो मज़ा आ गया। बहुत कमाल की चीज़ है ये, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। और ये मैं आपको बताते चलूँ, न्यूटेला वाले से थोड़ा कम मीठा है। ये सॉल्टेड कैरामेल है वैसे भी, तो ये किसी दिन हम इंशाल्लाह उसका भी आपके लिए रिव्यू लाएंगे, लेकिन आज के लिए हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा टेस्ट दे रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो मेरा ट्रेडमार्क है, जैसे कि मैं कहता हूँ हर आइटम के लिए, जो मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं आज भी आपके लिए कह रहा हूँ कि ये
बहुत ज़बरदस्त है जी। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेयर्स में होता है, और इसकी जो पहली लेयर होती है वो कैरमल या उसकी फ्लेवर न्यूटेला फ्लेवर की होती है, और इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं, गैलेक्सी चॉकलेट होती है ना, उस गैलेक्सी का भी फ्लेवर आता है, और उसके अलावा एक रेड वेलवेट फ्लेवर आता है, लेकिन हमें न्यूटेला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। कभी कभार हम गैलेक्सी भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ना कैरमल फ्लेवर, ये भी बहुत आला है, सॉल्टेड कैरमल फ्लेवर। तो ये मैंने जैसा कि बताया कि ये लेयर्स में होता है, इसकी एक लेयर्स क्रीम की होती है, एक जो भी फ्लेवर है उसकी लेयर है, एक बिस्किट्स हैं, और इसके नीचे भी एक चॉकलेट की लेयर होती है। तो ये कुल मिला के जैसे इनका ट्रेडमार्क है लेयर्स, तो ये लेयर्स ही बन रही हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का संडे होता है। नाज़रीन, ये थोड़ी हैवी किस्म की डिज़र्ट होती है, इस वजह से इसके थोड़े पैसे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कप बिल्कुल छोटा सा है, और ये होती लेकिन ठीक ठाक हैवी है, आपका पेट बिल्कुल ये खा के भर जाता है। अगर आपको हल्की फुल्की भूख हो, जब खाना वगैरह खाने का दिल ना कहे, कि दिल कहे कि बस हल्की फुल्की चीज़ खा लेते हैं, तो ये खा लें, बहुत मज़ा देगी आपके, और आपका मतलब कि टाइम भी, आपका एक टाइम का लंच या डिनर भी हो सकता है इससे। इसमें अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले होते इन्होंने, थोड़ा सा बस क्रश्ड बिस्किट्स जो जिसकी ये यहाँ पर लेयर भी है, वो मुझे ऊपर से थोड़ा कभी कभार आ जाते हैं, अंदर से ड्राई फ्रूट्स कोई इसके अंदर नहीं होता। ये नाज़रीन बहुत ही स्वीट है, और इसको खाते हुए मेरा दिल कह रहा है बस मैं और खाता जाऊँ। एक वक्त ऐसा आता है कि पेट बिल्कुल फुल हो जाता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कोई नेक्स्ट आइटम इस तरह की, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका आपके लिए रिव्यू लाऊं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।